हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार और विपक्ष उपचुनाव आरोप प्रत्यारोप में जुटी हैं। वहीं लगातार कोरोना मध्य प्रदेश में अपनी मजबूत जगह बना रहा है। ऐसे में हर दिन कोरोना लोगों की जिंदगी छीन रहा है और नए आंकड़े जनता को भयभीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में आए दिन नई मुसीबत सामने आ रही है। आज एक मौत के साथ 19 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जहाँ कोरोना ने सेंट्रल जेल में दस्तक दी है, जहां का जेल पहली कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके साथ ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का एक कर्मचारी पॉजिटिव बताया गया है, जिसमें 8 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बता रहा है। तो वहीं जो सैंपल इंदौर भेजे गए थे उनमें जो रिपोर्ट आई है उनमें 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है। इस तरह आज जो रिपोर्ट सागर में सामने आई है उनमें 19 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया है। इस तरह अब सागर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 514 हो गई है, जबकि 26 लोगों की कोरोना वायरस ने जान ले ली है। किल कोरोना अभियान के तहत हजारों सैंपल घर घर से लिए जा रहे हैं। इन सैंपलों को भोपाल, इंदौर और ग्वालियर भेजा जा रहा है, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रही हैं। आज जो इंदौर से रिपोर्ट आई हैं उनमें 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। और आज दिनांक जो है 18/7/2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें 8 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसमें पहले 48 वर्षीय पुरुष बाहुबली कॉलोनी से, दूसरे 39 वर्षीय पुरुष ये भी बाहुबली कॉलोनी से, तीसरे 38 वर्षीय पुरुष ये बागराज वार्ड के हैं, चौथे 54 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, पांचवे 54 वर्षीय पुरुष मोतीनगर से, छठवे 30 वर्षीय पुरुष ये हमारे बीएमसी कैंपस के ही हैं, कर्मचारी हैं यहाँ के। इसके अलावा 26 वर्षीय पुरुष ये सेंट्रल जेल सागर से, और आखिरी जो हैं वो 53 वर्षीय पुरुष ये गोपालगंज श्रीरामनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा 4 व्यक्ति जिनका इलाज चल रहा था ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और आज एक ये दुखद खबर है कि 2 दिन पूर्व हमारे यहाँ जो व्यक्ति पॉजिटिव आए थे इनका इलाज चल रहा था, तो इनकी आज सुबह मृत्यु हो गई। आज का यही अपडेट है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ने जो रिपोर्ट जारी की है उनमें 48 साल का व्यक्ति बाहुबली कॉलोनी से, 39 साल का युवक बाहुबली कॉलोनी से, 38 साल का युवक बागराज बाट से, 54 साल का भेड़ मकरोनिया से, 54 साल का बुजुर्ग मोतीनगर से, 30 साल का कर्मचारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन कार्यालय से, 26 साल का युवक जेल पहरी है सेंट्रल जेल सागर से, जबकि 53 साल का व्यक्ति गोपालगंज के श्रीराम कॉलोनी से पॉजिटिव हुआ है। अब कोरोना से आपको खुद लड़ना है। जो सतर्क रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो लापरवाही बरतेगा वह बीमार हो जाएगा। नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।